अल्लाह, दिल का मरीज हूँ, शादी करनी है, कोई ओलंपिक गेम्स में तो नहीं जाना मुझे। बहुत शर्मिंदगी हो रही है, I'm sorry, मेरू, honestly. दोस्ती में सॉरी नहीं होता। इन हालात में इस मैडम का तुम्हारी जिंदगी में आना और तुमसे मोहब्बत करना किसी मोजज़े से कम नहीं है। भाई जितना भी नुकसान है मुझे बिल दे दीजिएगा, मैं पे कर दूंगा। आप प्लीज शर्मिंदा ना करें, मेहमानों से पैसे नहीं लेते। माँ, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। तुम शाम को हो या कोई प्लान है तुम्हारा? सॉरी माँ, शहर के साथ मूवी देखने के लिए जाना था, कल जा नहीं सका था ना, इसलिए खफा हो रही थी वो। क्यों, यहाँ पे कोई पार्टी है आज? नहीं, कुछ भी नहीं है। चले मैं जिम जा रहा हूँ, हैप्पी बर्थडे वंस अगेन। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। काम आ गया भाई, आया नहीं तू? नौकरी करता हूँ, तुम्हारी तरह अमीर मैडम का महबूब नहीं हूँ जो मेरे सारे खर्चे उठा ले। कितनी बकवास करते हो तुम। सच्चाई बयान कर रहा हूँ। अच्छा ये बता, तेरी तबीयत कैसी है? ठीक हूँ। तुम आओगे नहीं आज? सॉरी यार, आज तो नहीं आ पाऊँगा, चार दिन से मुसलसल तुम्हारी वजह से छुट्टी कर रहा था। अगर आज भी छुट्टी लेता ना तो मेरी छुट्टी हो जाती ऑफिस से। खैर ये बताओ, मेरी याद कैसे आ गई तुमको? बस देख ले, ये हाल चल रहा है कि तुझे याद कर रहा हूँ बैठ कर। बर्थडे है मेरा आज, ना अम्मा को याद है ना अब्बा को, मैं थोड़ा इमोशनल हो रहा हूँ, इस चोट ने बहुत जज्बाती कर दिया यार। अरे हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर माहिर, Happy birthday to you. अरे अरे टेंशन ना ले, मैं कोशिश करता हूँ शाम तक तेरे लिए केक लेके आता हूँ। कर अरे नहीं नहीं, केक वेक की जरूरत नहीं है, तो अपना काम देख। बस कान आया, थोड़ा इमोशनल हो रहा हूँ, इस चोट ने भी जज्बाती कर दिया। तो अपना ख्याल रख, मैं करता हूँ बात, अल्लाह हाफिज़। अरे हेलो, इब्तिसाम, क्या हो रहा है? बस शुगर चेक किया है, ये फास्टिंग बहुत ज्यादा आ रही है, दवाई भी खा रहा हूँ, कंट्रोल नहीं हो रही, पता नहीं क्या बात है। परहेज करोगे तो शुगर कंट्रोल रहेगी ना, रात भी तुमने आम और खीर खाई है। भाई देखो, पाकिस्तान में आके खीर और आम नहीं खाऊंगा तो लानत है मेरी जिंदगी पर। खुदा के लिए इब्तिसाम, अपना ख्याल रखो, फिट रहो। अब देखो क्या बात करने के लिए आई थी मैं तुमसे और तुम बीमारी लेके बैठ गए। क्या हुआ? मेहरुन्निसा का बर्थडे है। अच्छा, तो आप चाहती हैं कि मैं उसको बर्थडे पे कोई प्रेजेंट दूं, सोना या डायमंड? आप मेरे हालात जानती है, मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकता। खुदाया क्या करूं मैं तुम्हारा भाई, उसको बर्थडे विश करो, उसको बाहर ले जाओ घुमाने के लिए, डिनर करवाओ। अच्छा, और एक सुर्ख गुलाबों का बुके दे दो, इसमें पैसे ज्यादा खर्च नहीं होंगे। मेरे साथ क्यों जाएगी, उसकी फैमिली है, उसके बच्चे हैं। बच्चे मसरूफ हैं, वो अकेली लॉन में टहल रही है, तुम्हारे लिए बेहतरीन मौका है। हाँ,
बात तो आपने बहुत अच्छी की है। मैं हमेशा बात ठीक और पत्ते की करती हूँ। अब बस जाओ और जाके बर्थडे विश करो। अब देखिएगा अपने भाई की जादूगरी। ओ बात तो ठीक कर लो। हाँ रिप्साम, डिनर के बाद सरप्राइज केक जरूर कटवाना कैंडल्स के साथ। अच्छा रोमांटिक माहौल हो जाएगा। ओके मैं उसको रोमांटिक गाना भी सुनाऊंगा। यस अस्सलाम वालेकुम बाजी। वालेकुम अस्सलाम। मैं ज़रा बाहर जा रही हूँ, घर का ख्याल रखना। जी सुनो ख्याल रखो, बाहर बहुत सर्दी है वहाँ पे। हाँ अरे भाई मामा बिल्कुल ठीक हैं, तुम क्यों खांस रहे हो? ये क्या हो रहा है, छींक रहे हो खांस रहे हो? क्या हुआ सफर को? उसकी तबीयत सही नहीं लग रही है, देखो बात करो। हाँ बेटा क्या हाल है? अरे ठंड लग गई होगी, कहा था ना कि बाहर ना जाया करो बेवजह। अगर बाहर जाओ तो कम से कम एक थिक वुलन स्वेटर जैकेट स्कार्फ ये सब कुछ पहन के जाया करो। हाँ हाँ टिकट भी हो गया, वीज़ा भी मिल गया। अच्छा ये बताओ तुम्हारे क्या लाए यहाँ से? अरे बता दो ना बेटा। चलो ठीक है अपने मर्जी से मैं ले आऊँगी। उफ गला कितना ख़राब है इसका, माहिर बिल्कुल ऐसे था इस उम्र में, टोटल लापरवाह। ये माहिर कहाँ से आ गया बीच में? असफर और माहिर को मत मिलाया करो, अगले हफ्ते हमारी फ़्लाइट है कैनेडा की, ज़्यादा टाइम नहीं है, अभी से तैयारी शुरू करो। अचानक उदासी क्यों फैल गई मेरे अंदर? कहाँ है मैडम? कहाँ? वो तो अभी बाहर चली गई। कहाँ? कुछ बताया नहीं उन्होंने। वो खुद ड्राइव करके गई? पता नहीं साहब, मैं तो अभी किचन से आई हूँ। अगर आपको उनसे कोई काम है तो आप उन्हें फोन कर लें। हाँ ठीक है मैं कर लेता हूँ। ठीक है तुम जाओ। जी। हेलो मैडम निशा, कैसी हैं आप? नहीं नहीं कोई ऐसी कोई खास बात नहीं है। हाँ हाँ यस 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 टेक योर टाइम, टेक योर टाइम। ओके बाय। इब्तिसाम क्या हुआ, पेरेंट्स कहाँ गई है? चली गई। कहाँ? भाई अभी कोई मेरा ऐसा ताल्लुक कायम नहीं हुआ कि वो मुझे बता के जाए कि कहाँ जा रही है, या मैं उससे पूछूं कि तुम कहाँ जा रही हो। ओफो इत्मीनान रखो, ताल्लुक भी कायम हो जाएगा। अब फोन करो पूछो कहाँ है वो। ओह कर लिया है फोन, बात कर ली है। फिर क्या बताया? अरे वही अस्पताल गई है ना आदत के लिए। आप फिक्र ना करें, मैंने उसकी बर्थडे का प्लान बना लिया है। अस्पताल किससे मिलने जाती है ये? ओ छोड़े बस इस बात को, आप मेरी बात सुनो।
مانا اللہ تعالیٰ کبھی کوئی فالتو چیز نہیں بناتے, تو میرا وجود اتنا فالتو نکارا کیوں بنا دیا؟ کسی کو میری ضرورت ہی نہیں ہے, نہ ماں کو, نہ باپ کو, نہ دوستوں کو, نہ اس کو جس سے محبت کی تھی. میں مانا شادی ہو گئی یار, مگر ہیپی برتھ ڈے کا ایک میسج کر دیتی خوشی ہو جاتا یار. تم واقعی آ گئے ہو یہاں پہ؟ مجھے یقین نہیں آ رہا کہ تم ہو, سچی مچی تم. تمہیں یاد تھی میری برتھ ڈے شادی کے بعد بھی؟ یاد ہے تو مجھے ہمیشہ وش کرتی تھی پہلے. تم یہاں پہ کیا کر رہے ہو؟ اوف بھائی ایکسیڈنٹ ہو گیا یار, چوٹیں لگی ہیں. تمہیں بابر نے نہیں بتایا میرے بارے میں کچھ؟ مجھے کسی نے کچھ نہیں بتایا, اور نہ ہی میں تم سے ملنے آئی ہوں. وہ زمان کی کزن کی میسج یہاں پہ ایڈمیٹڈ ہیں, بیبی ہوئے ان کا, تو مجھے آنا پڑا کنگریجولیٹ کرنے کیونکہ زمان آٹو اسٹیشن ہے. کمرہ نمبر 9 نہیں؟ کمرہ نمبر 6. اوہ, کمرہ نمبر 9 کے چکر میں کمرہ نمبر 6 میں آ گئی, غلط کمرے میں آ گئی. اب غلطی سے آئی گئی ہو تو میرا حال ہی پوچھ لو. تمہارا حال پوچھوں میں, جس کی وجہ سے میرا حال اور میرا مستقبل سب برباد ہو گیا. تم خوش نہیں ہو نا؟ تم سے مطلب؟ ہاں خوش ہوں, اس سے کہیں زیادہ خوش ہوں جتنا خوش تمہارے ساتھ رہ کر ہوتی. بہت خوش ہوں. جھوٹ بول رہی ہو تم. تم جیسا جھوٹا تو ہر ایک کو جھوٹا ہی سمجھے گا نا. تمہاری دولت بھی جھوٹی تھی, تمہارے جذبات بھی جھوٹے تھے, تمہاری محبت بھی جھوٹی تھی. میری محبت جھوٹی نہیں تھی, اگر تم میرا تھوڑا انتظار کرتی تو وہ جھوٹ جھوٹ بھی نہیں رہتا. انتظار کرتی تمہارا مزید ذلت اور دھوکہ کھانے کے لیے. زمان بہت اچھا ہے, اس کے پاس میرے لیے عزت بھی ہے اور دولت بھی. اور محبت؟ بہت محبت ہے مجھے اس سے. اچھا محبت ہو گئی تمہیں؟ جہاں سچائی ہو وہاں محبت بھی ہو جاتی ہے, لیکن تم جیسے جھوٹے لوگوں کو بھی محبت نصیب نہیں ہوتی. ارے ہلو ہلو, پلیز آئیے. ہائے, کیا حال ہیں آپ کے؟ بالکل ٹھیک. فرینڈ ہے تمہاری؟ ہاں, یہ میری دوست نرمین ہے, مجھے برتھ ڈے وش کرنے آئی تھی. اوکے تھینک یو. اور ہاں, ہم جیسے لوگوں پر بھی قدرت مہربان ہو جاتی ہے, ہمیں دوست بھی مل جاتے ہیں اور محبت بھی. تھینک یو آنے کے لیے. ہیپی برتھ ڈے. تھینک یو سو مچ. تھینک یو. آپ کو کس نے بتایا؟ بابر نے بتایا؟ ہاں. میں اسے نہیں بتانا چاہیے تھا آپ کو. کیوں نہیں بتانا چاہیے تھا؟ بہت اچھا کیا اس نے بتا کے. میں بہت اداس ہو رہی تھی, اکیلا پن محسوس کر رہی تھی, سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ کس سے بات کروں میں. پھر بابر کا فون آ گیا, پھر مجھے سمجھ آ گئی کہ میں نے تمہارے ساتھ اپنی اداسی شیئر کرنی ہے. تھینک یو. ویسے مجھے سمجھ نہیں آ رہا آپ کے کس کس احسان کا شکریہ ادا کروں. پلیز
सच में मैं भी आज बहुत उदास था। अब बर्थडे वाले दिन एक दो लोग तो होने चाहिए ना आपको विश करने के लिए, आपको मुबारकबाद देने के लिए। अब ये जो नरमीन है ये मुझे बर्थडे विश करने थोड़ी आई थी, गलती से आ गई थी, वो तो मैंने आपके सामने से दरकली, वरना तो मैं। खैर आप बताएं आप क्यों उदास हैं? अभी तो तुम कह रहे थे एक दो लोग तो होने चाहिए बर्थडे वाले दिन, जो कम अज कम आपको आपके होने का एहसास दिलाएं। बिल्कुल, बस उसी एहसास को महसूस करने आ गई हूँ तुम्हारे पास। समझा नहीं। मेरी बर्थडे आज। आपकी बर्थडे 19 जून? सेम डेट, नाइस यार। सेम डेट, सेम महीना, साल फर्क है। अरे साल से कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क सोच से पड़ता है। और आपकी और मेरी सोचने का फर्क तो है नहीं, हम दोनों हम उम्र हैं। तुम्हें ऐसा लगता है? बिल्कुल, मुझे तो आप मेरी जैसी लगती हैं। और अब तो हमारी सालगिरह भी एक दिन है। हाँ, ये तो है। वैसे आपके तो बच्चे भी हैं, तो आज आप उनके साथ? दोनों मसरूफ हैं। तुम्हारी अम्मी अबू विश किया उन्होंने? नहीं, वो दोनों नाराज हैं मुझसे। खैर छोड़े यार सबको, हम दोनों है ना एक दूसरे के लिए केक काटते हैं। हाँ? मैं जरा वॉशरूम से आता हूँ। क्या ढूंढ रहे हो? वो मैं बेल ढूंढ रहा हूँ, मुझे वॉकर चाहिए। मैं लेके आता। अरे नहीं, इट्स ओके, मैं वेट। थैंक यू। वैसे अगले साल जब आपकी बर्थडे होगी ना, आप देखिएगा आपके लिए फ्लावर्स, केक और एक अच्छा सा गिफ्ट भी लूंगा। अगला साल किसने देखा? हेल्प को? नहीं नहीं, इट्स ओके। हाँ वैसे ये तो है, क्या पता अगले साल तक मैं जिंदा ही ना रहूं। मैं अपनी बात कर रही हूँ, मैं तुम्हारे से उम्र में बड़ी हूँ, पहले मैं ही जाऊंगी। मरने का ताल्लुक उम्र से नहीं होता भाई, और मुझे यकीन है अभी आपने बहुत साल जीना है। अब मेरे जैसा फालतू इंसान मर भी जाए तो कोई खास फर्क थोड़ी पड़ता है। कितनी फजूल बात कर रहे हो, वो भी अपनी बर्थडे वाले दिन। जन्मदिन वाले दिन ही ना मौत को याद करना चाहिए, क्योंकि जिस दिन से आप इस दुनिया में आते हो ना, उस दिन से मौत आपका पीछा करने लग जाती है। वैसे मैं मरने से डरता वरता नहीं हूँ, लेकिन बस कभी कभी सोच के मुझे अफसोस होता है कि बिना कुछ किए मरना भी कैसा अजीब किस्म का मरना है यार। अच्छा बस करो प्लीज, जाओ जाके फ्रेश हो। सॉरी मैं कल से बहुत स्ट्रेस में हूँ। पागल तुम ही हो, ये क्या बातें कर रहा है तू? खुदा ने तुम्हें इतना सुनहरी मौका दिया है, वो भी प्लेट पे रख के। ये ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता। इन हालात में इस मैडम का तुम्हारी जिंदगी में आना और तुमसे मोहब्बत करना किसी मौजूदे से कम नहीं है। तेरा मैं हो गया, बस तुझ में खो गया, दुनिया क्या कहेगी इससे मैं बरी हो गया। मोहब्बत हो गई तुम्हें? जहाँ सच्चाई हो वहाँ मोहब्बत भी हो जाती है, लेकिन तुम जैसे झूठे लोगों को कभी मोहब्बत नसीब नहीं होती। अरे वाह भाई, आपने तो सेटअप लगा दिया जबरदस्त। देख लो। जबरदस्त। ये लो। हमारे लिए लेके आई हो ना, पहले तुम काटोगे? पहले आप। क्यों? आपका भी तो बर्थडे। ये बात में मेरे हाथ में रिजल्ट अच्छा है। करें करें। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। और ये, थैंक यू। क्या फ्यूचर प्लान है तुम्हारा? फ्यूचर का तो कुछ प्लान नहीं है, बस मेहरू मैं आपसे कुछ बात करना चाह रहा था। करो। मैं आपसे शादी करना चाहता हूं। क्या क्या कहा तुमने? वही जो आपने सुना, मैं आपसे मोहब्बत करने लगा हूं और
आपको अपनाना चाहता हूँ दिल से। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? इतनी बड़ी बात, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इतनी बड़ी बात करने की? शर्म नहीं आई तुम्हें? तुम्हारी जुर्रत? मेरू, I'm sorry, अगर आपको बुरा लगाओ, मैं ना ही मेरा दिमाग खराब हुआ है, ना मैं अपनी बात पे शर्मिंदा हूँ। शर्मिंदा तो मैं हूँ खुद पर और अपनी अकल पे। तुम्हारे जैसे पे मैंने भरोसा कर लिया। मैंने सोचा मजबूर बेचारा लड़का है, हमदर्दी और तवज्जो से महरूम है, थोड़ी मदद कर दी, थोड़ा ख्याल रख लिया, तुम्हें दोस्ती के काबिल समझ लिया, मगर तुम तो हद ही पार कर गए। महरू, अगर आपने मुझे अपना दोस्त समझा होता तो दोस्ती कोई हद नहीं होती। बाकी हर रिश्ते की हद होती है जिसे हम पार नहीं कर सकते। तुम्हारा दिमाग नहीं, तुम्हारी नीयत खराब है। महरू, खबरदार मुझे महरू का। अगर मेरी नीयत खराब होती तो मैं आपको प्रपोज नहीं करता शादी के लिए। वैसे ही चलने देता जैसा चल रहा है सब कुछ। मेरा तो अच्छा ही चल रहा है ना सब कुछ। महरू, शादी एक बहुत बड़ी कमिटमेंट है, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, और मैं दिल से जिंदगी भरी कमिटमेंट निभाना चाहता हूँ। बकवास बंद करो। खबरदार मुझे फोन करने या बात करने की कोशिश की। और ये जो इलाज का खर्चा है ना, मैं पूरा करूंगी, मेरी जिम्मेदारी है। मैं अपने बच्चों का सदका समझ के पूरा करूंगी। और ये जो तुमने अमीर बेवक साथ शादी करके मुस्तकबिल के ख्वाब चमकाने की कोशिश की है ना, इसको भूल जाओ। अपने और मेरे ताल्लुक को भी भूल जाओ, ओके? जाएं, और मेरे ख्वाब को आप भूल नहीं सकती, क्योंकि ख्वाब नहीं मेरी मोहब्बत है, मेरी मोहब्बत को नहीं झुटला सकती आप, और इस ख्वाब को खुद पूरा करना चाहेंगी आप। जाहिल, इडियट, माली हैसियत ना सही, अपनी उम्र का ही लिहाज कर लेता। मैं माहिर जहांगीर बनना तो मैं टेनिस का बहुत बड़ा प्लेयर जाता था, लेकिन आप जानती हैं हमारे मुल्क में क्रिकेट के अलावा किसी और स्पोर्ट्स को इंपॉर्टेंस कहाँ दी जाती है। तो अब्बा ने बोला एमबीए कर लो, उसने एमबीए कर लिया। हम क्यों किसी रिश्ते वश्ते के चक्कर में पड़े हैं भाई? फ्रेंड्स, ओ एक सेकंड, हाथ गंदे हो रहे हैं, ये ले भाई, फ्रेंड्स। फ्रेंड मैं आपसे मोहब्बत करने लगा हूँ और आपको अपनाना चाहता हूँ दिल से। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? और ये जो तुमने अमीर बेवा से शादी करके मुस्तकबिल के ख्वाब चमकाने की कोशिश की है ना, इसे भूल जाओ। जाए, मगर इस ख्वाब को ना आप भूल सकती है ना मैं भूल सकता हूँ, क्योंकि ख्वाब नहीं मेरी मोहब्बत है, मेरी मोहब्बत को नहीं झुटला सकती आप। अच्छा सुनो, मेहरन इस्सा को बहुत अच्छे रेस्टोरेंट में डिनर कराना, और हाँ, खुद ना मीठा खाने बैठ जाना। समझ गया। और आज ही दिल की बात कह देनी है। इतनी जल्दी? तो और क्या, हमेशा के लिए रहने के लिए आए हो क्या यहाँ? तुम्हारा यहाँ बिला वजह कयाम करना कोफ्त और शक में मुतला कर सकता है इनको। नहीं, मेरा मतलब है कि मेहरुनिसा को कहीं बुरा ना लग जाए,
मेहरुनिसा को अच्छा भी तो लग सकता है ना, ऐसा क्यों नहीं सोचते हो तुम? और मुझे यकीन है उसको अच्छा ही लगेगा। वो इतना यकीन कैसे है आपको? क्या आप भी एहतिशाम भाई के इंतकाल के बाद चाहती थी कि दूसरी शादी कर लें? मेरे और मेहरुनिसा के हालात में बहुत फर्क है। मैं अगर चाहती तो, खैर मेरी बात छोड़ो, मेहरुनिसा बहुत खूबसूरत है। हिदायत भाई सारी जायदाद उसके नाम करके गए हैं, उसको कोई यूं यहाँ रहने नहीं देगा, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी शादी उससे हो जाए। ओ, यानी आज ही प्रपोज कर दूं? तो और क्या? अच्छा ठीक है, बस तुम आज ही अपने दिल की बात सलीके और तरीके से कह देना। और बच्चे अफान, मिनाल और जमीर, ये क्या कन्विंस हो जाएंगे? ओहो, जब मेहरुनिसा कन्विंस हो जाएगी, हाँ हाँ, तो बच्चों को कन्विंस करना उसका दर्द सर है, और मुझे यकीन है वो हो जाएंगे। Very good. बस तुम अब जाओ और अच्छे से तैयार हो जाओ, और याद रखना तरीके और सलीके से बात करनी है। Of course, yeah. अब मैं चलूं? Yes, okay. Good luck. Good luck. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। मगर आपको कैसे पता चला? मैंने आपकी और अफान की गुफ्तगू सुन ली थी। आई होप आपको बुरा नहीं लगा होगा। नहीं। आइए ना, वो टेबल उधर लगाओ। थैंक यू। यस, कम दिस साइड प्लीज। थैंक यू। वैसे औरत से उसकी उम्र पूछना एक बदजौकी है, लेकिन आपको देखकर ऐसा लग रहा है जैसे आपने इसी साल ग्रेजुएशन किया है। खैर ऐसी कोई बात नहीं है, अगर आप मेरे से मेरी उम्र पूछना चाहते हैं तो मैं बता भी देती हूँ, मुझे उम्र को लेके कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है। लेकिन मैं ये रिस्क नहीं ले सकता, इसलिए कि मुझे अपनी सैलरी बतानी पड़ेगी। जस्ट जोकिंग। क्या खाएंगे? जो आपको पसंद हो। ओके। आपने जिंदगी के बारे में क्या सोचा? क्या मतलब? मतलब ये कि तन्हा जिंदगी गुजारना आसान नहीं होता। खैर छोड़े यार सबको, हम दोनों हैं ना, एक दूसरे के लिए केक काटते हैं। मैं तन्हा कहाँ हूँ, मेरे साथ मेरे बच्चे हैं। नहीं नहीं, मेरा मतलब है बच्चे हैं वो, उनके पास वालदैन के लिए टाइम ही कहाँ है। मेरा मतलब है आज का दिन देख लेना, सब गायब है। वक्त गुजारने के लिए इंसान के पास एक हमदर्द, अच्छा साथी होना चाहिए। आप क्या कहना चाहते हैं? यही कि आपको शादी कर लेनी चाहिए। यंग है, खूबसूरत है, स्मार्ट है, आपका साथ तो किसी भी मर्द की जिंदगी को खूबसूरत बना सकता है। शादी? जी शादी। मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। वैसे आपने मेरी बात का बुरा तो नहीं माना? आज का दिन ही कुछ अजीब सा है। क्यों, कुछ बुरा लग गया? नहीं बुरा नहीं लगा, बस हैरत हो रही है मुझे। मैंने शादी के बारे में कभी सोचा ही नहीं। नहीं, आपको सोचना चाहिए। देखो ना, मिनाल की शादी होगी है, वो अपने हस्बैंड के साथ बिजी है। कल को अफान की शादी हो जाएगी, वो अपनी वाइफ के साथ बिजी हो जाएगा। तो जिंदगी गुजारने के लिए एक हमदर्द और अच्छे साथी की जरूरत होती है। आप क्या करेंगे? आप क्या हिदायत साहब की यादों के साथ सारी जिंदगी गुजार देंगे? ठीक कह रहे हैं आप, किसी साथ और सहारे की तो जरूरत रहती है। मगर देखिए, जब से मैं आपको मिला हूं मुझे ऐसा लगता है कि आप ही वो खातून हैं जिसकी मुझे तलाश थी।
कहां कहां की खाक निशानी, रंग बरंगी लोगों से मिला, लेकिन मुझे कोई ऐसा हमदर्द अच्छा दोस्त नहीं मिला। कितना वक्त जाया कर दिया, मेरी तलाश इस उम्र के हिस्से में आके यहां खत्म। बस आपको अपनाना चाहता हूं, ना मत कीजिए। मैं आपसे मोहब्बत करने लगा हूं और आपको अपनाना चाहता हूं दिल से। आपने जवाब नहीं दिया। मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रही मैं क्या जवाब दूं आपको। नहीं, मेरा मतलब है आप टाइम ले लें, सोच लें, बच्चों से बात कर लें, या भाभी से मेरे मुतालिक पूछ लें। मुझे शादी नहीं करनी। अरे ये तो जुल्म करेंगी आप अपने ऊपर भी और मुझ पर भी। प्लीज ऐसा मत कीजिएगा। हाँ इब्तिसाम प्लीज, मैं नहीं नहीं टाइम ले लेना, मैं तो खुद कह रहा हूँ टाइम ले ले, आराम से रिलैक्स, कोई हमें जहन पे जोर मत डाले। लाओ भाई यार वो केक तो ले आओ जल्दी से, केक आ रहा है ना, फिर हम काटेंगे। मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आपको क्या तोहफा दूं, आपके लाइक कुछ लग ही नहीं रहा था। मुझे कुछ नहीं चाहिए, ये फूल काफी है। लेकिन मुझे तो चाहिए। क्या? आपका साथ, आपकी मोहब्बत, आपकी रफाकत। मैं आपसे मोहब्बत करने लगा हूँ और आपको अपनाना चाहता हूँ दिल से। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इतनी बड़ी बात करने की? शर्म नहीं आई तुम्हें? मैंने सोचा मजबूर बेचारा लड़का है, हमदर्दी और तवज्जो से महरूम है, थोड़ी मदद कर दी, थोड़ा ख्याल रख लिया, तुम्हें दोस्ती के काबिल समझ लिया, मगर तुम तो हद ही पार कर गए। सम्मान बहुत अच्छा है, उसके पास मेरे लिए इज्जत भी है और दौलत भी। मोहब्बत हो गई तुम्हें? जहाँ सच्चाई हो वहाँ मोहब्बत भी हो जाती है, लेकिन तुम जैसे झूठे लोगों को कभी मोहब्बत नसीब नहीं होती। और ये जो तुमने अमीर बेवा से शादी करके मुस्तकबिल के ख्वाब चमकाने की कोशिश की है ना, इसे भूल जाओ, अपने और मेरे ताल्लुक को भी भूल जाओ। ओके? जो मुकद्दर में लिखा था वो तो हमने जी लिया है, जाम कड़वा जिंदगी ने जो पिलाया पी लिया है, अब कहानी हम लिखेंगे, एक कहानी हम लिखेंगे, हर सफे पे नाम अपना बेखुदी लिख दिया है, दिल लगाया है दोबारा, हाँ दोबारा क्या करूं, जो कभी ना था हमारा है हमारा क्या करूं, दिल लगाया है दोबारा क्या करूं। Happy birthday। अभी ये सब सामान कौन लेके आया तेरे पास? अबे और भी लोग हैं जो अपनी जात से मुझ पर खर्चा करने की हिम्मत रखते हैं, वे सब तेरी तरह कंजूस नहीं होते। वाह भाई, एक तो मैं थका हारा ऑफिसर सीधा यहाँ पर आया कि तू जख्मी है, बीमार है और बर्थडे भी है, कहीं तुम खुदकुशी ना कर लो, ऊपर से तुम मुझे ये बोल रहे हो। वैसे केक तो बड़ी महंगी जगह का लग रहा है। इस केक के आगे तो मेरा केक मिस्कीन सी पेस्ट्री लग रहा है। अंकल आंटी आए थे? नहीं, मेरू लाइए। एक सेकेंड, तो ये सब सामान मैडम लेके आई है? देखा माहिर, मेरा शक यकीन में बदलता जा रहा है, मैडम को तुझसे सिर्फ हमदर्दी नहीं है बल्कि मोहब्बत है, वो भी शिद्दत वाली। सिर्फ एक कॉल करने की देर थी तेरे भाई की, देख कैसे उड़ती हुई तेरे पास आ गई। थैंक यू बोल मुझे। शर्मा रहे हो ना? चल कह रहा है, बताओ कैसी गुजरी बर्थडे? आगाज अच्छा रहा लेकिन अंजाम बहुत बुरा। क्यों, क्या हुआ? मैंने प्रपोज किया उन्हें। क्या मतलब प्रपोज? मैंने बोल दिया उन्हें
कि मैं उनसे शादी करना चाहता हूँ। तो फिर वो मान गई? कहाँ मान गई, भड़क गई, बेइज्जत करके चली गई मुझे, मेरी औकात, मेरी उम्र सब याद दिला के चली गई, लानत भेज के चली गई मेरी शक्ल पे। ये क्या कर दिया यार तूने, सबकी कह पे पानी फेर दिया, डायरेक्ट प्रपोज कर दिया, कुछ अक्ल है तेरे अंदर? नहीं है अपनी जो तेरी मोहब्बत की चिंगारी शोला बनी थी उसमें आहिस्ता आहिस्ता अपनी मोहब्बत का तेल डालते, उस शोले को लावा बनने देते, तुमने तो एकदम तेल का डब्बा पलट के सब कुछ जला के राख कर दिया। क्या बातें कर रहा है, पागल तो नहीं हो गया, क्या करता मैं? अरे यार सब्र करते, कोई मुनासिब सा वक्त देख के, अच्छा सा मूड देख के, कोई खूबसूरत सी जगह देख के वहां प्रपोज करते। वक्त और मूड तो तुम्हारा खराब चल ही रहा था, मकाम देख, अस्पताल, यहाँ पर टूटे हुए बड़े वो आई लव यू मेहरू बोल दिया, इसमें तुमको कौन हाँ बोलेगा? तुम्हें फिक्र किस बात की है, रिजेक्ट कर दिया इस बात की, हॉस्पिटल के बिल की? जाहिर है दोनों बातों की फिक्र है यार, तेरी लाइफ बनाने के चक्कर में था मैं। तुम मैडम से शादी करते तुम्हारा मुस्तकबिल बनता, तुम्हारा मुस्तकबिल बनता तो तुम अपने दोस्त का भी ख्याल रखते, लेकिन तुमने तो अपने साथ साथ मेरा मुस्तकबिल और हाल दोनों बर्बाद कर दिया। कहाँ से लाऊंगा इतने पैसे, इतना महंगा अस्पताल, इतने महंगे प्राइवेट कमरे के पैसे में?